गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सर्दियां आ गई हैं, तो आज की वीडियो में हम सर्दियों के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे हम सर्दियों में अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस करके हेल्दी रह सकते हैं और सर्दियों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो अच्छी खासी ठंड आ चुकी है और जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेके आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मौसम बदलता है तो हमें मौसम के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में भी चेंजेस कर लेने चाहिए ताकि हम उस मौसम का लुत्फ उठा सके। और हमारा नेचर इतना अच्छा है ना कि वो हमें मौसम के हिसाब से ही चीजें देता है। तो सर्दियों में फिट रहने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे फ्लू, इन्फेक्शंस, जॉइंट पेन, मसल पेन, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आम होती है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें अपने डाइट में ओमेगा 3 वाले फूड को ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 के लिए आप अपने डाइट में अखरोट को ऐड कर सकते हैं, बादाम को ऐड कर सकते हैं, अलसी को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप फिश को भी ऐड कर सकते हैं। ओमेगा 3 एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें फ्लू, इन्फेक्शन जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से बचाता है। तो अपनी डाइट में हमें सर्दियों में ओमेगा 3 जरूर से ऐड करना चाहिए। सर्दियां आते ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटी मार्केट में आ जाती है, तो हमें इन सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि हमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जा सके। सर्दी में हरे पत्ते की सब्जियां बहुत सारी आ जाती हैं, गाजर, मूली, तो ये सारी चीजें अगर हम अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे और हमें अंदर से फिट रखेंगे। तो फॉर श्योर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो कि विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स हैं, उनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके फायदों के बारे में। जैसे गर्मियां आती हैं तो हमारी भूख कम हो जाती है और हमसे कम खाया जाता है, वैसे ही सर्दियों में उसका ऑपोजिट होता है। सर्दियों में एक तो फूड आइटम्स इतने ज्यादा होते हैं खाने के लिए, हम बेझिझक कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये चीज गर्म करेगी या कुछ भी। तो इस वजह से सर्दियों में जो खाने की कंसिस्टेंसी होती है ना, वो हमारी बढ़ जाती है। सर्दियों में हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है तो हमें बार बार खाने से बचना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हमारा कार्ब्स का इंटेक बढ़ जाता है और जब कार्ब्स हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं तो सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा होता है और हमें बार बार खाने की क्रेविंग होती है। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखें ताकि आपको बार बार वो क्रेविंग नहीं हो, क्योंकि बार बार क्रेविंग होगी तो आप बार बार खाएंगे और वो आपका वेट बढ़ा सकता है। तो सर्दियों में इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, आपको अपने प्रोटीन और फाइबर के इंटेक पर भी ध्यान रखना है और अच्छे से अपनी डाइट लेनी है ताकि आप अंदर से फिट रह सकें और सर्दियों को अच्छे से इंजॉय कर सकें। सर्दियों में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सर्दियां आती है ना तो हमें प्यास कम लगने लग जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्दियों में पूरा दिन एक या दो ग्लास पानी में निकाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। गर्मी हो या सर्दी हो, हमारी बॉडी को अपनी फंक्शनिंग के लिए एक प्रॉपर क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है, जो कि उसकी डेली बेसिस की नीड है। तो अपना वाटर इनटेक आपको प्रॉपर रखना चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लगती तो भी आपको कोशिश करें कि आप पानी 3 लीटर कम से कम पिए, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। और पानी की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और कोशिश करें कि सर्दियों में ल्यूकवॉर्म वाटर पिए, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पिए, कोशिश करें कि हल्का गुनगुना पानी आप पिए, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। और पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और आपको हेयर फॉल और ड्राई स्किन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो मेक श्योर कि आप अपने वाटर इनटेक को प्रॉपर रखें सर्दियों में, अपनी बॉडी को अच्छे से गर्म कपड़ों से ढक के रखें, क्योंकि सर्दियों में जो हवा चलती है ना वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो मेक श्योर आप अपने कानों को और गले के एरिया को, सिर को ढक के रखें,
ताकि वो हवा आपको नुकसान ना कर सके, उसकी वजह से आपको सर्दी, जुखाम, खांसी, गले का इन्फेक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फीवर वगैरह हो सकता है। तो मेक श्योर कि आपको ठंड ना लगे, आप अपने पैरों को, अपने कानों को, अपने गले को, अपने सर को अच्छे से ढक के रखें। और स्पेशली जो बच्चे हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको तो और भी ज्यादा जरूरत होती है सर्दी से अपने आप को बचाने की। तो मेक श्योर करें कि आप अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं और आपको ठंड ना लगे। और एक प्रॉब्लम जो सर्दियों में कॉमन होती है कि सर्दियों में हम खाते ज्यादा हैं लेकिन हम एक्टिव कम रहते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं ठंड की वजह से। तो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज अपनी डेली बेसिस पे करें, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वॉक जरूर करें, 15 से 20 मिनट की वॉक आप जरूर से करें, क्योंकि वॉक करने से आपकी बॉडी में खून का दौरा बढ़ता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है। तो मेक श्योर करें कि आप एक्सरसाइज करें या तो आप वॉक जरूर से करें सर्दियों में, और ज्यादा आलस ना करें, एक्टिव रहें ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो अपने आप को गर्म रखने के लिए अक्सर लोग बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं बार बार। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जब हम बार बार चाय और कॉफी पीते हैं ना, तो हमारी बॉडी में कैफीन ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि चाय और कॉफी आप बहुत ज्यादा ना पिएं। अगर आपको अपने आप को गर्म रखना है तो आप चाय और कॉफी को दूसरी चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। आप हर्बल टी पी सकते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगी और आपको हेल्दी रखने में भी हेल्प करेगी, साथ ही आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेगी। या फिर आप उसकी जगह मसाले वाला दूध पी सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, आप दूध में अदरक डाल के पी सकते हैं, दालचीनी डाल के पी सकते हैं। हल्दी वाला दूध हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है ये हम सब जानते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, साथ ही हल्दी वाले दूध की तासीर गर्म होती है, तो वो हमारी बॉडी को नेचुरली गर्म रखने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस और फ्लू से भी बचाएगा। अदरक में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, दालचीनी हमारे ब्लड प्रेशर को अच्छा रखेगी और हमें हार्ट स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम से बचाएगी। तो आप इन सब चीजों से अपनी चाय और कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप वेजिटेबल सूप से भी अपनी चाय और कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप्स भी आपको अंदर से नेचुरली हीट देंगे आपकी बॉडी को, साथ ही साथ फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स भी आपकी बॉडी में जाएंगे। तो वेजिटेबल सूप और मसाले वाला दूध बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, चाय और कॉफी के बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट हैं। तो मेक श्योर करें कि आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा बिल्कुल भी ना पिए और उन चीजों की बजाय आप दूसरी चीजों पे शिफ्ट करें जो आपको ठंड से भी बचाएं और साथ ही साथ वो चीजें हेल्दी भी हो। और सर्दियों में जब भी आपको टाइम मिले तो धूप में जरूर बैठें ताकि आपको विटामिन डी अच्छे से मिल सके, क्योंकि सर्दी आती है तो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं बिस्तर में घुसना। सर्दियों की धूप बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी खुलती है उससे और विटामिन डी मिलता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इन सारे टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें और अपनी सर्दियों को बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।